लोकसभा चुनाव के बाद अब फिर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच टक्कर होने जा रही है। 10 जुलाई को 7 राज्यों के लगभग 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे और 13 जुलाई को नतीजे घोषित हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 4 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 2 और पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में 1-1 सीट पर उपचुनाव होंगे, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास और 1-1 सीट राजद, द्रमुक, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के पास है। अब जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला सीट है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां विक्रवंदी सीट, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट, पंजाब के जलंधर पश्चिम की सीट और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ की सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 3 बीजेपी विधायकों, कृष्ण कल्याणी जो कि रायगंज से, मुकुटमणि अधिकारी राणाघाट दक्षिण से और विश्वजीत दास बागदा ने लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई हैं और इसी वजह से मानिकतला से तृणमूल विधायक साधन पांडे के निधन के बाद वहां उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने राज्य की 42 सीटों में से 29 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी को करारी टक्कर दी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 12 सीटों से ही बंगाल में संतोष करना पड़ा। ऐसे में ये उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम है, क्योंकि इससे फिर ये साबित होगा कि टीएमसी की पकड़ बरकरार है और बीजेपी वापसी कर पाती है या नहीं। मानिकतला की सीट टीएमसी की पारंपरिक सीट है, जबकि रायगंज, राणाघाट, दक्षिण और बागदा पर पिछले चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। अब उनके नेता टीएमसी में शामिल हो गए हैं, ऐसे में ये बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो इन सीटों को बचा पाती है या नहीं। रायगंज सीट से टीएमसी के उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी को बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष टक्कर दे रहे हैं। वहीं माकपा और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मोहिन सेन गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। बागदा सीट पर टीएमसी के मधु पर्णा, तो बीजेपी ने विनय कुमार विश्वास को अपना उम्मीदवार बनाया है। राणाघाट दक्षिण से टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी का मुकाबला बीजेपी के मनोज कुमार विश्वास से है। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा होगी, जिसे लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि पिछले उपचुनाव में वो 6 सीटों में से 4 जीतने में सफल रही और सुनिश्चित किया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बहुमत के आंकड़े को पार कर जाए। 3 निर्दलीय विधायकों, होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर के कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के कारण उपचुनाव जरूरी हो गए थे। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव की मतगणना से एक दिन पहले उनके इस्तीफे स्वीकार किए गए थे। 68 सदस्य सदन में फिलहाल 3 सीटें खाली हैं और इससे पहले अनुशासनहीनता की वजह से कांग्रेस के 6 विधायकों को हिमाचल में अयोग्य घोषित किया गया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। 3 निर्दलीय भी उनके साथ शामिल हुए थे। इस वक्त कांग्रेस के पास 38 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 27 हैं। अगर कांग्रेस तीनों सीटें हार भी जाती है तो भी वो सरकार में बनी रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही इन सीटों पर अपनी ताकत झोंक दी है। देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर, हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की भी बात कर लें तो यहाँ छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप सिंह के इस्तीफे और उनके बीजेपी में शामिल होने की वजह से इस सीट पर अब उपचुनाव की नौबत आ गई है। ये क्षेत्र कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के लिए यह सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी कि वो लोकसभा चुनाव में सभी सीटें हारने के बाद अपना मनोबल बनाए रख पाती है इस सीट को जीतकर या नहीं। अमरवाड़ा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह इनवती और बीजेपी के कमलेश शाह के बीच है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार देवराव ने भलावी पर भी सबकी नज़र हुई लगी है, क्योंकि रूपाली से जेडीयू विधायक बीमा भारती राजद में शामिल होने के बाद इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसमें पराजय का सामना करना पड़ा पप्पू यादव के खिलाफ और इस सीट पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जेडीयू के कलाधार मंडल को बीमा भारती के खिलाफ उतारा गया है, तो शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।
वहीं बीजेपी विधायक आरएस भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस्तीफा देने के बाद बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के कारण उत्तराखंड में उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। इसी तरह विक्रवंडी से डीएमके विधायक एन पुगा जयंती के निधन की वजह से इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ भी जीत के लिए डीएमके ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो कुल मिलाकर एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक की जो तस्वीर है वो अब लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले उपचुनावों में देखने को मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।